नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेंगे सीसीएस सीसीए डिसिप्लिन एंड कंडक्ट रूल्स पार्ट टू। दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल एग्जामिनेशन इन ईएमआरएस एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी केवीएस एनवीएस एंड अदर एग्जामिनेशन। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इज यूपीएससी कंसल्टेशन नेसेसरी फॉर रिमांडिंग ए केस फॉर रिवीजन ऑफ पेनल्टी। मतलब है क्या दंड के संशोधन के लिए मामले को रिमांड करने के लिए यूपीएससी परामर्श आवश्यक है? ऑप्शन है ए नेसेसरी इन ऑल केसेस, बी नॉट नेसेसरी व्हेन प्रेसिडेंट सेट्स असाइड द प्रोसीडिंग, सी मैंडेटरी इन सर्टेन केसेस, डी नन ऑफ दी अबव। इसका सही उत्तर है बी, नॉट नेसेसरी व्हेन प्रेसिडेंट सेट्स असाइड द प्रोसीडिंग्स। मतलब है कि दंड के संशोधन के लिए हर मामले में यूपीएससी से परामर्श करना आवश्यक नहीं होता है अगर प्रेसिडेंट ने प्रोसीडिंग को खत्म कर दिया है, साइड में रख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन इज इट नेसेसरी टू इनिशिएट डी नोवो प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंसर्न्ड ऑफिसर। अर्थ है संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नए सिरे से कार्रवाई की पहल करना कब आवश्यक है, कौन सी परिस्थिति में डी नोवो प्रोसीडिंग करना जरूरी हो जाता है। ऑप्शन है ए, इफ एन अपीलाट ऑर्डर इज सेट असाइड फॉर प्रोसीजरल डिफेक्ट्स, बी एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिलिंक्वेंट ऑफिशियल, सी एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और डी ऑप्शन है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस असिस्टेंट। कौन सी सिचुएशन में नए सिरे से कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है? इसका सही उत्तर होगा ए, इफ एन अपीलाट ऑर्डर इज सेट असाइड फॉर प्रोसीजरल डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हाउ आर द ऑर्डर्स पब्लिक नोटिसेज सर्व्ड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। सरकारी सेवक को आदेश नोटिस कैसे तामील किए जाते हैं? ऑप्शन है ए, सर्व्ड इन पर्सन और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बी बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, सी थ्रू ए मैसेंजर, डी बाय कुरियर। मतलब किसी प्रकार के ऑर्डर है, सीसीएस सीसीए रूल्स के अंतर्गत ऑर्डर दिए जा रहे हैं किसी ऑफिशियल को, तो कैसे दिए जाएंगे? इसका सही उत्तर होगा ए, सर्व्ड इन पर्सन और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। या तो उसके हाथ में दे करके आएंगे या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, शुड द कॉपी ऑफ यूपीएससी एडवाइज सप्लाइड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट अलोंग विद द फाइनल ऑर्डर ऑफ पेनल्टी। यानी कि क्या दंड के अंतिम आदेश के साथ संघ लोक सेवा आयोग की सलाह की प्रति सरकारी सेवक को उपलब्ध कराई जानी चाहिए? ऑप्शन है ए, शुड बी सप्लाइड, बी नॉट कंपलसरी, सी ऑप्शनल, डी इफ डिजायर्ड। किसी तरीके की पेनल्टी लगाई जाती है तो क्या उस ऑर्डर के साथ में यूपीएससी की जो रिकमेंडेशन होती है, यूपीएससी की जो सलाह होती है, वो जारी करना जरूरी होता है, देना जरूरी होता है कर्मचारी को? तो इसका सही उत्तर होगा ए, शुड बी सप्लाइड। यूपीएससी के रिकमेंडेशन है वो भी साथ में देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, स्टेट द ईयर इन विच सीसीएस कंडक्ट रूल्स केम इनटू फोर्स। किस वर्ष सीसीएस आचरण नियम लागू हुए थे? ऑप्शन है ए 1962, बी 1964, सी 1968, डी 1972। इसका करेक्ट आंसर है बी, 1964 में सीसीएस कंडक्ट रूल्स है वो प्रभाव में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, टू हुम इज सीसीएस कंडक्ट रूल्स नॉट एप्लीकेबल। मतलब कि सीसीएस आचरण नियम किसके लिए लागू नहीं होते इनमें से? ऑप्शन है ए,
employees of non-statutory departmental canteens, B, persons appointed to a civil service or post in connection with the affairs of the union, C, extra departmental agents in the postal department, D, members of committees / commissions appointed by the government. CCS conduct rules हैं वो इनमें से किस पर लागू नहीं होते? सही उत्तर है इसका C, extra departmental agents in the postal department, इन पर CCS conduct rules हैं वो लागू नहीं होते. Question number 27, what behavior is expected of a government servant at all times? यानी कि एक सरकारी कर्मचारी से हर समय किस तरीके के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है CCS conduct rules के अनुसार. ऑप्शन है ए, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, बी, मेंटेन एब्सोल्यूट डिवोशन टू ड्यूटी, सी, डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, डी, ऑल दी अबव. तो ये सभी उत्तर है वो सही है. हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल दी अबव. मतलब मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी हमेशा बनाई रखनी चाहिए, साथ में एब्सोल्यूट डिवोशन टू ड्यूटी, हर समय ड्यूटी के प्रति डिवोटेड होना चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं करना है जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के योग्य नहीं बनाता. नेक्स्ट क्वेश्चन 28, स्टेट व्हाट ए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड डू इफ ही हैड रिसीव्ड ओरल इंस्ट्रक्शन ऑब्लिक डायरेक्शन फ्रॉम हिज ऑफिशियल सुपीरियर. बताएं कि एक सरकारी कर्मचारी को क्या करना चाहिए यदि उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी से मौखिक निर्देश या निर्देश प्राप्त होता है. ऑप्शन क्या है देखिए, मतलब अगर सुपीरियर अधिकारी मौखिक आदेश देता है तो जो सबोर्डिनेट ऑफिसर है उसको क्या करना चाहिए. ऑप्शन है ए, ही वुड ऑब्टेन द रिटन कंफर्मेशन ऑफ द सेम, B, he would go and discuss about this with other employees, C, he would not ask for any official confirmation from his official superior in writing, D, he would try to get the written confirmation from superior of some other department. तो इसका सही उत्तर होगा A, he would obtain the written confirmation of the same. जो भी आदेश प्राप्त हुए मौखिक रूप से उसका लिखित ऑर्डर है वो प्राप्त करना चाहिए सबोर्डिनेट कर्मचारी को. क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट द रूल्स अंडर विच द प्रोविजंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इज कवर्ड. उन नियमों को उद्धृत करें जिनके तहत कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध के प्रावधान शामिल है. कौन से नियम के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न है उसको निषिद्ध किया गया है. ऑप्शन है ए, रूल 3, बी, रूल 3B, सी, रूल 3C, डी, रूल 3A. करेक्ट आंसर इज सी, रूल 3C. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया. रूल 3C के अंतर्गत प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन है वो शामिल किया गया है, कवर किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु वॉज कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट ऑफ लॉ हैड सप्रेस्ड द फैक्ट एंड रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ रेगुलर लीव फॉर द एब्सेंस. व्हाट एक्शन इज टू बी प्रपोज्ड इफ लीव ऑलरेडी सैंक्शनड. मतलब है एक सरकारी कर्मचारी जिसे एक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था ने इस तथ्य को छिपाया था और अनुपस्थिति के लिए नियमित अवकाश प्रदान करने का अनुरोध किया था. यदि अवकाश पहले ही स्वीकृत हो गया है तो क्या कार्रवाई प्रस्तावित की जानी चाहिए. मीनिंग है कि किसी सरकारी कर्मचारी को कोर्ट के द्वारा दोष सिद्ध किया गया और वो कर्मचारी ने ये फैक्ट है वो अपने डिपार्टमेंट को नहीं बताया, रेगुलर लीव के लिए अप्लाई कर दिया और उसको लीव दे दी गई, तो अब विभाग को क्या करना चाहिए. ए होगा लीव सैंक्शन टू बी कैंसल्ड,
बी गवर्नमेंट सर्वेंट इज लाइबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, सी गवर्नमेंट सर्वेंट इज टू बी डिसमिस्ड इमीडिएटली, डी नॉट टू बी अलाउड टू ज्वाइन ड्यूटी। इसका सही उत्तर होगा बी, गवर्नमेंट सर्वेंट इज लाइबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। मतलब उसने फैक्ट को छिपाया है और नियमित छुट्टी लेकर के चले गया है तो उसका विभाग है वो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 31, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु वॉज डिटेन्ड इन ए पुलिस कस्टडी फॉर मोर देन 48 आवर्स फेल्ड टू इंटीमेट द सेम टू हिज सुपीरियर एंड रिक्वेस्टेड फॉर सेंक्शन ऑफ लीव फॉर द एबसेंस, इज द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इन ऑर्डर। एक सरकारी कर्मचारी जिसे 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखा गया था अपने वरिष्ठ को इसकी सूचना देने में विफल रहा और अनुपस्थिति के लिए छुट्टी की मंजूरी के लिए अनुरोध किया, क्या सरकारी कर्मचारी की कार्रवाई सही है। ऑप्शन है ए नो ही शुड हैव इंटीमेटेड द फैक्ट ऑफ हिज डिटेंशन एंड इज देयरफॉर लाइबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, बी यस लीव टू बी ट्रीटेड एज डाइजनन, सी यस हिज लीव विल नॉट अफेक्ट हिज ड्यूटी, डी यस इफ ही हैज इनफ लीव ही कैन टेक लीव विदाउट इन्फॉर्मिंग द सुपीरियर द एक्चुअल पर्पज ऑफ हिज एब्सेंस। सही उत्तर होगा इसका ए नो ही शुड हैव इंटीमेटेड द फैक्ट ऑफ हिज डिटेंशन एंड इज देयर फॉर लाइबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। मतलब 48 घंटे से अधिक सजा मिली है पुलिस कस्टडी में वो बंद रहा है तो इसकी सूचना नहीं देने पर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन है वो किया जाएगा, उसको ये सूचना देनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 32, नेम द एक्टिविटी विच रिक्वायर्स प्रायर परमिशन सैंक्शन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। उस गतिविधि का नाम बताइए जिसके लिए निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इनमें से ए है सीकिंग रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ सर्विस मैटर्स इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, बी टू ज्वाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कोर्स ऑफ स्टडीज फॉर यूनिवर्सिटी डिग्री, सी गिविंग एविडेंस इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी, डी टू टेक पार्ट इन फेयरवेल एंटरटेनमेंट। कौन सी गतिविधि है जिसके लिए उसको परमिशन लेना आवश्यक हो जाता है। सही उत्तर है बी टू ज्वाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कोर्स ऑफ स्टडीज फॉर यूनिवर्सिटी डिग्री। कोई भी शैक्षिक डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी से प्राप्त कर रहा है तो उसकी प्रायर परमिशन है वो होना अत्यावश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, नेम द एक्ट कंडक्ट एंड कमीशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट विच अमाउंट टू मिसकंडक्ट। अर्थ है एक सरकारी कर्मचारी के कार्य आचरण और कमीशन का नाम बताइए जो कदाचार के बराबर है। ऑप्शन है ए रेंडरिंग प्रॉम्प्ट एंड कर्टियस सर्विस टू द पब्लिक, बी एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज, सी स्ट्राइकिंग वर्क और इंसाइटिंग अदर्स टू स्ट्राइक, डी मेंटेनेंस ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। इसका सही उत्तर है सी स्ट्राइकिंग वर्क और इंसाइटिंग अदर्स टू स्ट्राइक। बाकी पॉइंट है वो कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार है, रेंडरिंग प्रॉम्प्ट एंड कर्टियस सर्विस टू द पब्लिक ऐसा वो करना चाहिए, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज जो सरकारी पॉलिसी है नीतियां हैं उनके अनुसार कार्य करते हैं, और डी है मेंटेनेंस ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ये कर्मचारी को हर समय करनी चाहिए। तो बाकी सारे पॉइंट है वो कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार है और सी ऑप्शन है वो कंडक्ट रूल के खिलाफ है। क्वेश्चन नंबर 34, नेम द एक्टिविटी विच डज नॉट रिक्वायर सैंक्शन ऑब्लिक परमिशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। उस गतिविधि का नाम बताइए जिसके लिए निर्धारित प्राधिकारी की स्वीकृति अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ए टू ज्वाइन एज वॉलेंटियर्स इन सिविल डिफेंस सर्विस, बी टू एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम नियर रिलेटिव्स एंड पर्सनल फ्रेंड्स व्हेन द वैल्यू एक्सीड्स प्रेस्क्राइब लिमिट्स, सी टू एक्सेप्ट फी फॉर वर्क डन फॉर एनी प्राइवेट और पब्लिक बॉडी और पर्सन,
डी टू पार्टिसिपेट इन श्रमदान ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और द भारत सेवक समाज ड्यूरिंग स्पेयर टाइम। तो किसकी अनुमति लेना जरूरी नहीं होगा इन सभी ऑप्शंस में से? सही उत्तर है डी, टू पार्टिसिपेट इन श्रमदान ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और द भारत सेवक समाज ड्यूरिंग स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम में श्रमदान के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए कोई स्वीकृति या अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, बाकी सभी में अनुमति की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑब्लिक स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द एरिया आर टू बी इनवाइटेड टू पब्लिक फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिसेज इन सच सिचुएशन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एमपी एज पर द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। अर्थ है कि क्षेत्र के संसद सदस्यों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को सरकारी कार्यालयों द्वारा आयोजित सार्वजनिक समारोह में आमंत्रित किया जाना है। ऐसे में एमपी का क्या प्रोटोकॉल होगा वरीयता के वारंट के अनुसार? ऑप्शन है ए, ही इज अबव द रैंक ऑफ ए मिनिस्टर, बी ही इज अबव द रैंक ऑफ ए स्टेट गवर्नर, सी ही इज अबव द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डी ही इज इक्वलेंट टू द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर है सी, ही इज अबव द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एमपी का पद है या प्रोटोकॉल में वो सेक्रेटरी से ऊपर स्थान पाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब फॉर सेंडिंग एन एक्नोलेजमेंट टू ए कम्युनिकेशन ऑब्लिक लेटर रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। कार्यालय प्रक्रिया नियमावली के प्रावधान के अनुसार संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र, पत्र की पावती भेजने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? ऑप्शन है ए विद इन 3 डेज, बी विद इन 7 डेज, सी विद इन 15 डेज, डी विद इन 30 डेज। करेक्ट आंसर इज सी, विद इन 15 डेज। कार्यालय प्रक्रिया नियमावली के प्रावधान के अनुसार संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र की पावती भेजने के लिए निर्धारित समय सीमा है वो 15 दिन है। कोई भी पत्र प्राप्त होता है उसका पावती या जवाब है 15 दिन के अंदर देना आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द टाइम लिमिट स्टिपुलेटेड फॉर सेंडिंग ए फाइनल रिप्लाई टू ए कम्युनिकेशन ऑब्लिक लेटर रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफ द इंफॉर्मेशन हैज टू बी ऑब्टेंड फ्रॉम अनदर ऑफिस ऑब्लिक मिनिस्ट्री एज पर द प्रोविजन ऑफ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। मतलब है कि यदि कार्यालय प्रक्रिया नियमावली के प्रावधान के अनुसार किसी अन्य कार्यालय मंत्रालय से सूचना प्राप्त करनी हो तो संसद सदस्य प्राप्त पत्र, पत्र का अंतिम उत्तर भेजने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? ऑप्शन है ए विद इन 10 डेज, बी विद इन 15 डेज, सी विद इन 20 डेज, डी विद इन 30 डेज। करेक्ट आंसर इज डी, विद इन 30 डेज। मतलब संसद सदस्य से कोई पत्र प्राप्त हुआ है परंतु वो दूसरे कार्यालय के थ्रू प्राप्त हुआ है तो उसका जवाब है वो 30 दिनों के अंदर देना जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। ए कंप्लेंट्स कमेटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड इन ईच मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट ऑब्लिक ऑफिस एज पर द नॉर्म्स ऑब्लिक गाइडलाइंस इश्यूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टेट द पर्पज फॉर विच इट इज कंस्टिट्यूटेड। अर्थ है कि प्रत्येक मंत्रालय विभाग कार्यालय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी मानदंडों दिशा निर्देशों के अनुसार एक शिकायत समिति को गठन किया गया है। किस उद्देश्य के लिए इसका गठन किया गया है वो बताना है। ऑप्शन है ए टू फॉरबिड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, बी टू टू प्रोहिबिट द गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन प्रोजिलाइटाइजेशन एक्टिविटीज, सी टू एनक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स फॉर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इन द वर्क प्लेस, डी टू डील विद द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन सर्विस मैटर्स। सही उत्तर है सी,
टू एंक्वायर इन टू द कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इन द वर्क प्लेस। प्रत्येक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस को एक कंप्लेंट कमेटी है वो बना के रखनी पड़ेगी, जिससे कि सेक्सुअल हरासमेंट केसेज हैं वो ऑब्जर्व किए जाएंगे और कंप्लेंट है वो वर्किंग लेडी है वहां पर सबमिट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 39, द रिपोर्ट ऑफ कंप्लेंट कमेटी एस्टेब्लिश्ड इन ईच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और ऑफिस फॉर एनक्वायरिंग इन टू कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द, यानी कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए प्रत्येक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय में स्थापित शिकायत समिति की रिपोर्ट को माना जाता है ए इंक्वायरिंग अथॉरिटी रिपोर्ट अंडर सीसीएस सीसीए रूल्स 1965, बी अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिपोर्ट, सी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रिपोर्ट, डी अपीलाट अथॉरिटी रिपोर्ट। सही उत्तर है ए इंक्वायरिंग अथॉरिटी रिपोर्ट अंडर सीसीएस सीसीए रूल्स 1965। यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए मंत्रालय द्वारा जो इंक्वायरी की जाती है इंक्वायरिंग अथॉरिटी रिपोर्ट अंडर सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 के अंतर्गत माना जाएगा। और 2020 क्वेश्चन की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 40, द कंप्लेंट्स कमिटी कंस्टिट्यूटेड फॉर रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट्स बाय द वुमेन एम्प्लॉई शुड बी हेडेड बाय, मतलब महिला कर्मचारी द्वारा शिकायतों के निवारण के लिए गठित शिकायत समिति की अध्यक्षता होनी चाहिए। सेक्सुअल हरासमेंट के लिए जो कंप्लेंट कमेटी बनी है और महिला कर्मचारी वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है, तो उस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा? ऑप्शन देखिए ए द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बी एन ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक ऑफ द विक्टिम, सी एन ऑफिसर सफिशियंटली हायर इन रैंक, डी एन ऑफिसर फ्रॉम एन एनजीओ। इसका सही उत्तर है सी एन ऑफिसर सफिशियंटली हायर इन रैंक। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज है वो कर ली है। सीसीएस सीसीए रूल्स डिसिप्लिनरी या कंडक्ट रूल्स हैं उन पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और सर्विस रूल्स में सबसे टफेस्ट पार्ट है वो यही होता है। मैं इंटरेस्टिंग वे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको लेकर आ रहा हूँ, आप नॉलेज मंडली पर बने रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।